उपयुक्त काम गधे और कुत्ते की ज्ञानवर्धक कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक कुत्ता और एक गधा था। वह दोनों का अच्छा ध्यान करता था और वो दोनों भी अपने मालिक का हर कार्य अच्छे से करते थे। कुत्ता धोबी के घर की रखवाली करता था और गधा धोबी के कपड़े एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता था। एक दिन की बात है, धोबी कुत्ते को खाना देना भूल गया। इस बात पर कुत्ता बहुत नाराज हो गया। संयोग की बात यह हुई कि उसी रात धोबी के घर चोर आ गया। गधा और कुत्ते दोनों ने ही चोर को आते हुए देख लिया। गधा हैराना हो गया और कुत्ते के पास जाकर बोलने लगा, तुमने उस चोर को देखा मगर क्यों नहीं भोगा? गधे की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, आजकल मालिक हमें ध्यान नहीं देते हैं और समय पर खाना भी नहीं देता। आज मैं अगर नहीं भोगूंगा तो ही उन्हें मेरे कदर होगी। तो गधे ने कहा कुत्ते से, मेरे दोस्त, यह बहस का कोई समय नहीं है। यह वक्त है हमारी ईमानदारी की प्रदर्शन करने का। हमारे फर्ज है कि हम अभी भी मालिक के काम आए। मगर कुत्ते को इस बात से सम्मत नहीं थी और उठ गया और नहीं भोगा। गधे ने सोचा, अब मुझे ही कुछ तो करना पड़ेगा और अगर मालिक जाग गया तो शायद मुझे इनाम भी मिल जाए। गधा जोर जोर से गधा के जोर की शोर सुनकर चोर भाग गया। धोबी जो दिन भर काम करके थका हुआ था, गधा की आवाज सुनकर उसकी नींद तो भूल गई लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गधे को डंडे से पीटा डाला और बोला, इसके बाद तू रात को कभी नहीं चिल्लाएगा। उसने गधे को इतने डंडे लगाए कि वह बेचारा अधमरा हो गया। उसके बाद वह कुत्ता आया और गधे से बोला, बेहतर है कि तुम अपना कार्य करो। गधे हो, कुत्ते मत बनो। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद दोनों शांति से रहने लगे। गधे की भावना सही थी लेकिन वह कुत्ते की काम करना चलाता जो उसे आता ही नहीं। तब से यह कहावत बन गई कि जिसका जो काम है उसी को ही वो काम करना चाहिए। जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे।